Hi everyone, welcome back to Unacademy's YouTube channel. I hope sabko class visible ho gaya and I hope everyone is doing well because aaj aap attend karne wale ho ek mega revision class, to aapka well hona bahut zaruri hai in order to complete the class, right? Okay, welcome back. अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हो जो फ्री ऑर्गेनाइज क्लासेस हैं, तो आप मुझे मंडे फ्राइडे ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पर और ट्यूसडे सैटरडे इस यूट्यूब चैनल पर. दोनों ही जगह आपको फ्री सेशंस मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, हर दिन शाम को 7 बजे होती है प्लस क्लासेस विच आर पेड, सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई पेड क्लासेस बाई यूजिंग डिस्काउंट कोड सुप्रीत लाइव. बहुत सारे लोग न्यू बैच कोर्स जानना चाह रहे हैं कब स्टार्ट होगा. न्यू बैच कोर्स स्टार्ट होगा इन द 3rd week of August, ठीक है. 3rd week of August से आई एम गोइंग टू बिगिन विद माय न्यू बैचेस, तो उसके लिए एनरोल करने के लिए रेडी हो जाइए फॉर ऑल दोस जो अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं. एज आई टोल्ड, टुडे इज अ मेगा रिविजन सेशन. मैंने अपने टॉपिक्स भी शेयर कर दिए थे, मैं आज क्या पढ़ा रही हूँ. टॉपिक्स कहाँ शेयर करे हैं? टेलीग्राम चैनल पर. अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो कर लीजिए, सो दैट आपको वहाँ से भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें. आज के मेगा रिविजन सेशंस के टॉपिक कुछ इस प्रकार है. आज हम लोग भारत के बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखेंगे. हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़े मेजर फैक्ट्स देखेंगे. ईस्टर्न एलाइनमेंट का सिस्टम अप्रोच जो ट्रेडिशनली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, हम वो देखेंगे. गुड गवर्नेंस और उसके सारे प्रिंसिपल्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिज्म. सो आप देख सकते हो एक गुफे रिविजन है बिकॉज इट कवर्स ऑल द यूनिट्स एंड ऑल द बिग टॉपिक्स जो आपको 110% एग्जाम में क्वेश्चन देगा ही देगा. चलो पहले बॉर्डर डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करते हैं. आपको पता है इंडिया ज्योग्राफिकली जैसे लोकेटेड है एशिया में, उसके बॉर्डर्स बहुत सारे देशों के साथ टच होते हैं. एंड इन फैक्ट अगर टच नहीं भी हो रहा है तो कनेक्टिविटी बहुत क्लोज है. तो ऑब्वियसली क्या होता है, जब ऐसे नज़दीकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज हों तो इशूज़ भी बहुत आते हैं. ये मेरा एरिया, ये तेरा एरिया, यहाँ तू नहीं रहेगा, यहाँ मैं नहीं रहूँगा, एक्सेट्रा. सो 1974 में ही एक इशू आया था जो कि रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल साइंस एग्जाम का, और वो कच्छातेवो आइलैंड का इशू है. अब देखो कॉमन सेंस है कि अगर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कच्छातेवो आइलैंड का किसके साथ इशू पैदा हुआ था, तो ऑब्वियस नहीं है कि श्रीलंका इज द ओनली प्लेस जिसके साथ हमारे आइलैंड बॉर्डर इशूज हो सकते हैं, जब हम कनेक्टेड ही इकलौता उसी से वाटर बॉडी के थ्रू है. तो इट वाज वेरी वेरी सिंपल. फिर भी जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था तो बहुत सारे लोगों को ये आता ही नहीं था, लेकिन आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल. बॉर्डर आइलैंड इशू अगर आया है तो कॉमन सेंस है कि श्रीलंका ही होगा, क्योंकि और तो किसी के साथ ही पॉसिबिलिटी ही नहीं है. तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कच्छातेवो आइलैंड किसके साथ डिस्प्यूट है गाइज? श्रीलंका के साथ. अब अगर हम बात करें कि बांग्लादेश, जिसका आपको पता है कि जब लिबरेशन हुआ था, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, इसकी लिबरेशन स्टार्ट हुई थी ईस्ट पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट पाकिस्तान. तो बांग्लादेश को लिबरेट कराने में सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडियन आर्मी को जाता है, क्योंकि इंडियन आर्मी इतने बड़े नंबर में पहुंची थी लिबरेट करवाने, आज़ाद कराने बांग्लादेश को, जिसका रिजल्ट है कि आज वो एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में है, एग्जिस्ट करता है. तो जब हम बात करते हैं कि हमारी उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई, तो बे ऑफ बंगाल का जो शोर पड़ता है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन जो हमारा भी नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल को, सॉरी बांग्लादेश को कनेक्ट करता है, वहाँ पे ना एक बांगबंधु नाम का आइलैंड है जो कि बहुत पॉपुलेशन, क्या वहाँ पर कोई रहता नहीं है, इट इज़ नॉट ऑक्यूपाइड बाय द पीपल, बट ऑफ कोर्स क्योंकि वो बॉर्डर पर है तो ये लड़ाई है कि इट बिलोंग्स टू बांग्लादेश और इट बिलोंग्स टू इंडिया.
तो साउथ तलपाटी या बांग बंधु आइलैंड बांग्लादेश के साथ हमारा एक अनरिजॉल्व्ड इशू है, बिकॉज हमारे पास उसके ऊपर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है दैट किसका है वो, किसके साथ जाएगा. ऑल्सो बॉर्डर पर एनक्लेव्स भी हैं, कुछ 111 इंडियन एनक्लेव्स हैं, इसी के अंदर 51 बांग्लादेशी एनक्लेव्स हैं बॉर्डर में. अगेन यहाँ पर बहुत इशू हो जाता है कौन सी एनक्लेव इंडिया की है, कौन सी बांग्लादेश की है, लगातार इसके ऊपर टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत इश्यूज उठते रहते हैं. चलो ठीक है, फिर भी मैं ये कहूँगी कि बांग्लादेश के साथ हमारा वैसे तो रिवर डिस्प्यूट भी है बहुत सालों से, और हमारे लैंड डिस्प्यूट्स भी है श्रीलंका के साथ भी है, बट क्या वो उतने बड़े हैं जितने हमारे पाकिस्तान और चाइना के साथ डिस्प्यूट है? मोस्ट प्रोबेबली नॉट, बिकॉज पाकिस्तान और चाइना के साथ जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं वो कई गुना ज़्यादा खतरनाक है, एंड वो तो ख़त्म नहीं हो रहे ना, उनके साथ हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो लगातार चले जा रहे हैं. 2003 से लेकर अभी तक 22-23 बार हमारे रिप्रेजेंटेटिव साथ बैठ चुके हैं, मिल चुके हैं कि रिजॉल्व कर लेते हैं डिस्प्यूट्स, लेकिन चाइना ने कभी डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में हाँ करी ही नहीं है. तो देखिए आओ चलो पढ़ते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स में चाइना का क्या हाल है. सबसे पहले तो सबसे मेजर डिस्प्यूट की बात कर लेते हैं जो हम IFP में भी पढ़ते हैं, इंडियाज फॉरन पॉलिसी में, और वो डिस्प्यूट है अक्साई चिन इलाके को लेकर. आपको पता है अक्साई चिन एक बहुत ही ज्योग्राफिकली डिफ़िकल्ट टेरेन है, और वहाँ पर किसी का भी सेफली रह पाना चेक करने के लिए कि कोई आउटसाइडर आ तो नहीं रहा, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रयास है. इंडिया में ये लद्दाख की यूनियन टेरिटरी का हिस्सा आता है अब करंट जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई है उसके बाद से, और उधर से अगर आप देखो तो वो तिब्बतन प्लेटू के एक हिस्से में आता है. अब आपको पता है कि तिब्बत ऑलरेडी एक बहुत कंट्रोवर्शियल इशू था, जिसने इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पढ़ी हुई है उसे पता होगा कि तिब्बत ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है कि चाइना इंडिया को उससे दूर करना चाहता है. स्पेसिफिकली जब दलाई लामा ने हमारे यहाँ शरण ली थी भारत में, जो कि एक तिब्बतन मॉन्क गुरु हैं, तो सबसे पहले यही जवाब आया था कि नहीं यार, यू नो दिस इज़ नॉट करेक्ट, आप हमारे देश से क्यों फालतू में आप हमारे लोगों को भड़का के क्यों लेके जा रहे हो. तो इंडिया अक्साई चिन इधर से लद्दाख का मानता है और उधर से चाइना इसे तिब्बत का मानता है. इसके बाद बात करते हैं एक और बहुत स्पेसिफिक बॉर्डर इशू जो कि है देपसांग प्लेन. अब वैसे ये क्या है, ये कभी इतना ज़्यादा क्वेश्चन में आपने देखा नहीं होगा देपसांग, क्योंकि देपसांग अक्साई चिन का ही एक सपोजिटली अंदर का हिस्सा है. तो हम ब्रॉडरली जब अक्साई चिन पढ़ रहे हैं तो साथ में देपसांग प्लेन कनेक्टेड है, बिकॉज वो उतना इलाका है जो प्लेन्स का पोर्शन पड़ जाता है, जो थोड़ी सी लेस डिफिकल्ट टेरेन है. तो देपसांग प्लेन जो है वो भी अक्साई चिन मतलब लद्दाख के ही उसमें आते हैं यूनियन टेरिटरी में करेंटली, एंड यहाँ पर भी यही लड़ाई है कि एक तरफ जो है जब अटैक 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी तो एक तरफ कंट्रोल कर लिया था चाइना के आर्मी वालों ने और एक तरफ कंट्रोल कर लिया था भारत के आर्मी ने, तो अभी तक वो इशू बरकरार है. इसके बाद बात करते हैं देमचोक की. देमचोक और चुमार ये दो एक ही जगह के इशू हैं और दो अलग अलग बॉर्डर इशूज़ हैं. अच्छा ये भी लेह में ही आते हैं, लेह लद्दाख, तो लेह एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट का नाम है, लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी आपको पता ही है. तो ले में आते हैं ये दोनों चीज़ें, और इनका भी इशू अगेन चाइना की वही है कि चाइना सारे लद्दाख को अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में शो करता है एज चाइनीज टेरिटरीज, जबकि हम लोग हमेशा से इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ इंडिया. सो दिस इज़ अ वेरी बिग कॉन्ट्रोवर्सी कि हम क्यों जाने दें अपने एरियाज को, वाई शुड वी लेट द लद्दाख पोर्शन स्लिप अवे. इसके बाद आपने ये सुना होगा काफ़ी ज़्यादा, कॉरिक तो आई थिंक नहीं सुना होगा ज़्यादा लोगों ने, लेकिन शिपकीला बहुत लोगों ने सुना होगा. शिपकीला थोड़ा सा डिफरेंट पड़ जाता है, ये लद्दाख की जगह हिमाचल के पहाड़ों का इशू है, और ये जो है हिमाचल में किन्नौर एक डिस्ट्रिक्ट आपने सुनी होगी बहुत पॉपुलर, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता हुआ बॉर्डर इशू है. तो यहाँ पर बस थोड़ा सा फ़र्क यही है कि ये लद्दाख में नहीं सिचुएटेड है इधर से इंडिया में, तो हिमाचल में है. किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश का इशू शिपकीला है.
इसके बाद बात करते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स की, जैसे लपथाल है, गुलाम सुमदा है, ठीक है, नेलांग है, ये सारे उत्तराखंड में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट काफ़ी हाइट पर पड़ती है और बिल्कुल चाइना के साथ कनेक्टेड बॉर्डर है, वहाँ पर इशू है। इसके बाद आपने एक और उत्तराखंड की बहुत ही पॉपुलर जगह सुनी होगी जिसका नाम चमोली है। चमोली इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस जिसका नाम लगातार जब नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड्स या कोई ऐसे इश्यूज होते हैं पहाड़ों पे, तब भी बार बार आता है। तो बाराहोटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाराहोटी एक्चुअली ना एक जगह है। तो पहाड़ों के जो भी जानवर हैं चमोली या चमोली के आसपास के जो गांव पड़ जाते हैं, वो सभी लोग ना अपने जानवरों को चराने यहाँ पर आते हैं। और चाइना कहता है कि ये जो फील्ड्स है वो मेरे हैं, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड और भारत के अंदर आते हैं, मतलब उत्तराखंड सरकार और भारत देश के अंदर बाराहोटी, लेकिन अगेन वही क्लेम है कि ये जमीनें भी हमारी हैं। चलो नेक्स्ट, काराकोरम ट्रैक्ट आप लोगों को पता होगा। काराकोरम इज अ रेंज विच इज इन एशिया, एंड देन उसको लेकर भी लड़ाई है कि उसके आसपास का जो एरिया है उसमें नदी बहती है, वो नदी किसके लिए है, क्या है। और ये एक्चुअली वो एरिया है जो कारगिल के टाइम पर बहुत यूज़ हुआ था, तो उस वजह से ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। एंड इसमें इंडिया चाइना के साथ साथ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, इंडिया चाइना के साथ पाकिस्तान। लेकिन इतना रिपीट आपको कभी एग्जाम में नहीं मिलेगा, जो रिपीट होते हैं एग्जाम में वो ये वाले थे मेजर। नाउ नेक्स्ट, जो आप लोग रोज न्यूज़ में सुनते हो, अरुणाचल प्रदेश। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश को अपने साथ क्लेम करने का चाइना के दो रीजंस हैं। पहला, चाइना बोलता है कि वो तिब्बत में आता है, तो ऑब्वियसली तिब्बत उसने कॉलोनी बनाई हुई है इलीगल टर्म्स में, तो वो उसके पास आता है। पहला तो यही क्लेम है। और दूसरा क्लेम ये है कि अरुणाचल प्रदेश कल्चरली चाइना का हिस्सा है, मतलब कि वहाँ कल्चरल ओवरलैप है अरुणाचल और चाइना में। तो चाइना कहता है तुमसे ज़्यादा इसका कल्चर मेरे यहाँ मैच होता है, एंड द पीपल हैव सेम एफिनिटीज, तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ चाइना। अब पहले तो आप ये कहते हो कि इट शुड बी अ पार्ट ऑफ चाइना, फिर आप धीरे धीरे करके उसे दिखाने लगते हो एज पार्ट ऑफ चाइना, तो प्रॉब्लम आ जाती है। कहने को तो बंदा बहुत कुछ कहता रहता है, तब तक देश रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब आप कोई ऑफिशियल कदम उठा के एक देश को अपने नाम कर लो या उसको शो कर दो एक स्टेट को कि ये मेरे अंडर फॉल करता है, जैसे नेपाल ने किया कुछ सालों पहले, तो फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। विच इज़ वाई अरुणाचल प्रदेश पिछले कुछ सालों से एक कॉन्ट्रोवर्शियल करंट अफेयर बना हुआ है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आई थिंक इंडिया एंड चाइना के मैंने आपको इतने सारे बता दिए हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स कि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इससे ज़्यादा तो सवाल आ नहीं सकते, इससे कम ही आएंगे। बॉर्डर डिस्प्यूट विद पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ भी हमारे इशू अनरिजॉल्व ही है मेजरली। देखो, सबसे पहले तो आता है हमारा सबसे बड़ा कनेक्टिविटी जोन ऑफ जम्मू कश्मीर। मैंने आपको एक दिन प्लस में समझा रही थी कि इंडिया, कश्मीर, पाकिस्तान, जब ये तीन कमरे कनेक्टेड हैं तो आप वाया कश्मीर होए बिना जा ही नहीं सकते, मतलब आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आप कश्मीर को अबेंडन करके छोड़ दो और कहो हमारा कोई मतलब नहीं है। राइट, तो कश्मीर हैज़ ऑलवेज बिन अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन इन इंडिया। अब इसका रिजोल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम हमेशा से कश्मीर पे लड़ते आ रहे हैं, और इससे ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है किसी को। सियाचिन ग्लेशियर, अगला पॉइंट, अगेन अ वेरी 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 प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ये जो ग्लेशियर है ये ना बहुत ही आगे के लिए बहुत असेंशियल है, क्योंकि एक तो पूरी काराकोरम रेंज में ये सबसे लंबा है, और जो नॉन पोलर एरियाज है आर्कटिक एंटार्कटिक के अलावा वर्ल्ड में सेकंड लॉन्गेस्ट भी सियाचिन ग्लेशियर ही है। और इसी वजह से अगर हम एक्चुअली जरा सा भी सियाचिन ग्लेशियर खोते तो वो एक पावर की बात आ जाती है। तो फिलहाल इंडिया सारा का सारा सियाचिन ग्लेशियर कंट्रोल कर रहा है,
लेकिन जब आप एक्चुअली देखोगे तो एलओसी वाला जो इशू है वो यहाँ आ जाता है, मतलब अगेन बॉर्डर पे स्ट्राइक कर जाता है जब से यूनाइटेड नेशन से मदद लेके हमने सीज फायर किया था, तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। साल्टोरो ब्रिज या साल्टोरो माउंटेन से आता है, ये साल्टोरो रिच काराकोरम रेंज में ही पड़ता है, अगेन सियाचिन ग्लेशियर के साथ का हिस्सा है, तो वही सेम इशू है जो पिछला बताया। लेकिन साल्टोरो माउंटेन्स या ये जो माउंटेन्स हैं इनके बीच में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया कहता है ये लद्दाख में है, और एक्चुअली आपको पता होगा गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका हमने खो दिया था जब हमारे साथ 1948 में वॉर हुई थी, है ना। तो गिलगिट बाल्टिस्तान के अंडर वो क्लेम करता है पाकिस्तान की अब ये मेरे पास है, इसलिए लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं। इसकी सबकी जड़ यूनाइटेड नेशन ने जो सीज फायर कर दिया था वही है, जब नेहरू जी ने डिमांड करी थी सीज फायर। तो बेसिकली दैट्स द प्रॉब्लम। अगेन एक क्वेश्चन है जो आपने देखा होगा विच इज गेटिंग वेरी मच रिपीटेड, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, एंड दैट इज सर क्रीक। अभी सर क्रीक जो इशू है ना, पहली बार आप ऐसा कोई इशू पढ़ने वाले हो जो ऊपर कश्मीर हिमाचल यहां से नहीं स्ट्राइक कर रहा, जबकि सर क्रीक जो है वो एक और बॉर्डर हमारा कनेक्ट होता है रन ऑफ कच्छ की तरफ से जो गुजरात में है, पूरा डेजर्ट वाइट डेजर्ट। रन ऑफ कच्छ बेसिकली सेपरेट करता है इंडिया और पाकिस्तान को, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमृतसर में इंडिया पाकिस्तान सेपरेट होते हैं। एंड सर क्रीक क्या है, बीच का ना पानी की पतली सी एक वो है, ऐसे एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है, और ये 96 किलोमीटर की जो स्ट्रिप है ये है पूरी दलदल वाली। और आपको पता है कि जब भी आप ऐसे किसी एरिया में होते हो जहाँ एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान है, तो वो इशू का कोई सोल्यूशन नहीं होता, बिकॉज लगातार दोनों देश यही कहेंगे कि ये मेरा है ये मेरा है। तो रन ऑफ कच्छ अभी तक अनरिजॉल्व्ड इशू है, और उस जगह को सर क्रीक कहते हैं, इस पानी की बॉडी को सर क्रीक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर क्रीक, ठीक है। चलो पाकिस्तान खत्म, चाइना खत्म, बांग्लादेश खत्म, श्रीलंका खत्म, मेन काम तो खत्म हो गया। थोड़े थोड़े डिस्प्यूट चलो म्यांमार वगैरह के भी देख लो, जैसे काबा आइलैंड है ये है, मोरे है मणिपुर स्टेट में, आपने सुना होगा कोविड के टाइम पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था मोरे स्टेट, मोरे मणिपुर में, मोरे इलाके में। इसके बाद नामफ्लोंग विलेज है, ये कुछ कुछ इश्यूज है जो आपने कभी चलते फिरते सुने होंगे। नेपाल के साथ हमारे इशू बहुत बढ़ गए हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, देख लेना काला पानी। तो नेपाल अपने लिए और उत्तराखंड अपने लिए एक इलाका क्लेम करते हैं काला पानी का, 400 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, कुछ ऐसी बात तो नहीं है कि छोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड एक बॉर्डर्स इतने क्लोज है कि समझ नहीं आता कि किसके अंदर है, तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है कि नेपाल के अंदर डालेंगे धारचूला डिस्ट्रिक्ट में या पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में डालेंगे उत्तराखंड के अंदर। सो दैट्स द प्रॉब्लम काला पानी में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगेन नेपाल ने बहुत बड़ा इंस्टिगेशन करा है बाय पुटिंग काला पानी एंड इट्स मेजर एरिया अंडर इट्स मैप, जिसके बाद से नेपाल और हमारे रिलेशन डाउनफॉल पर है। बिकॉज आपने देखा होगा पार्लियामेंट में डायरेक्टली एक मैप पेश किया गया था और उसके अंदर सारा का सारा इलाका अपने अंडर शो किया गया था, 400 स्क्वायर किलोमीटर जो डिस्प्यूटेड है, जिस पे अभी कोई विवाद, जब कोई कंक्लूजन नहीं है, उस विवादित इलाके के 300 स्क्वायर किलोमीटर को अपने मैप में शो करा गया था, जिसके बाद से इंडिया बहुत ज़्यादा नाराज हो गया था। एंड उसके बाद नेपाल ने भी कहा था इंटर्न कि उसे इंडिया की हेल्प नहीं चाहिए है, एंड वो भी अपने तरीके से ही अब अपने आप को देखना चाहता है। एंड इंडिया एंड नेपाल फ्रॉम देन ऑन टिल 1.5-2 years हैव नॉट बीन इन अ गुड रिलेशन। रिलेशन पहले से काफ़ी ख़राब थे लेकिन इसके बाद बहुत ख़राब हुए हैं। इसके अलावा एक और टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, वो है सुस्ता। सुस्ता लुम्बिनी इलाके में पड़ता है, ये भी अगेन उत्तरांचल उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर्स है उन्हीं की वजह से हो रहा है। उधर से नेपाल क्लेम करता है, इधर से यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पे क्लेम किया जाता है सुस्ता। भूटान के साथ हमारे पास कोई ज़्यादा इशू नहीं है, थोड़े से अरुणाचल प्रदेश वाले ही इशू हैं, मेजरली एक डिस्प्यूट है सरबंग नाम का, एज सच बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कुछ। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक खत्म हुआ, ना ज़्यादा टाइम लगा,
मेजर क्वेश्चंस हो गए, दो क्वेश्चंस तो इसमें से आपको मिल ही सकते हैं पर एग्जाम। आप नोटिस करोगे बॉर्डर डिस्प्यूट्स एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल हर जगह आ रहा है, तो एक क्विक रिवीजन दे लेना, और अगर नहीं भी देना हो तो एक बार एक क्लास सुन लेना वापस से, ठीक है? जब रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको ये वाली आधे घंटे बाद, तो शाम तक एक बार और देख लेना या जाने से पहले एग्जाम। फिलहाल के लिए सेकेंड टॉपिक शुरू करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन की कमिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट्स, ये सारी चीज़ें आज बता देती हूँ एक लंबे स्ट्रेच में। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सलाह कैबिनेट मिशन ने दी थी जो इंडिया आया था। ये हो गया पहला क्वेश्चन जो कि आता है। कैबिनेट मिशन ने सलाह दी थी कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए और अपना संविधान खुद बनाना चाहिए। करते करते, सोचते सोचते, डिस्कशन करते करते 6 दिसंबर 1946 को हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बना लिया, फॉर्म कर लिया। उसके बाद 9 दिसंबर आती है, पहली तारीख जिसमें हमने फर्स्ट टाइम मीटिंग रखवाई, ठीक है? जो फर्स्ट टाइम मीटिंग थी वो दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी, जो कि अभी पार्लियामेंट हाउस में सेंट्रल हॉल होता है जो डिस्कशन का, वही वो हाउस था जो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रखा गया। पहली बार जो लोग बैठे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने डिस्कस करने, उन्हें पहली बार जिसने एड्रेस किया था, जिन्होंने बात की थी, वो जेबी कृपलानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने लोगों को एड्रेस किया था। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इशू चल रहे थे, मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर रहा था क्योंकि उसको एक सेपरेट स्टेट चाहिए था पाकिस्तान, जिन्ना ने अपने बहुत सारे लोगों को अलग कर दिया था, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बेस थी वो बहुत ही ज़्यादा लो हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा क्रश्ड था बेस उस टाइम पर। तो उस टाइम पर हमारे पास ये वक्त नहीं था कि हम एक परमानेंट प्रेजिडेंट लाएँ, तो हम लोगों ने उस दिन फिलहाल के लिए कहा कि चलो एटलीस्ट काम स्टार्ट करने के लिए एक टेम्परेरी प्रेजिडेंट बना देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेम्परेरी प्रेजिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, लेकिन 11 दिसंबर यानी एग्जैक्ट उस दिन से दो दिन बाद, यानी आज हुआ तो परसों, हमने अपने नए प्रेजिडेंट को चुना था जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद जी है ऑफकोर्स। लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं वो ये होती है कि जब आपको पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आप सच्चिदानंद सिन्हा मार्क कर देते हैं। प्लीज याद रखिए कि टेम्परेरी या इंटरिम प्रेसिडेंट को आप रियल प्रेसिडेंट नहीं बुला सकते। सो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि हु वाज द फर्स्ट फाइनल प्रेसिडेंट अपॉइंटेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो राजेंद्र प्रसाद शुड बी द आंसर। वेयर एज अगर आपसे पूछा जाए कि बिफोर अ परमानेंट प्रेसिडेंट हु वॉज एन इंटरिम और टेम्परेरी प्रेजिडेंट फॉर मीन वाइल, तो आंसर सच्चिदानंद सिन्हा होगा, ठीक है? तो राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया 11 दिसंबर को, लेकिन उसी के साथ साथ उनके काम में मदद करने के लिए, असिस्टेंस के लिए हमने एक वाइस प्रेजिडेंट भी चुने थे जिनका नाम बहुत ही फेमस एच सी मुखर्जी है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो। एच सी मुखर्जी आगे जाके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा दिखेंगे, मतलब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे यू विल बी एबल टू लोकेट कि कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। साथ ही साथ एक बहुत फेमस क्वेश्चन जिसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते, जब भी मैं टेस्ट लेती हूँ स्टूडेंट्स ब्लैंक होते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, हमारे लीगल एडवाइसर। यस, हमारे पास उसी दिन एक लीगल एडवाइसर को भी चुना गया था जिनका नाम बी एन राव है। सो ये तीन नाम जो भी आप देख रहे हो ये आपको एग्जैक्ट पोजीशन के साथ लर्न होने चाहिए कि प्रेसिडेंट कौन था, वाइस प्रेसिडेंट कौन था, एंड लीगल एडवाइसर कौन थे हमारे संविधान के, ठीक है? सो राजेंद्र प्रसाद, एच सी मुखर्जी एंड बी एन राव, ये हो गया हमारा कंक्लूजन फर्स्ट पेज का। सारे डेट्स, सारे थिंकर्स, सब कुछ क्लियर है, लीडर्स सॉरी। आगे बात करते हैं 11 दिसंबर के एक दिन छोड़ के अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2021, यानी जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसका बड़ा सवाल, विच इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो 13 दिसंबर 1946 को हमारे होने वाले पहले प्रधानमंत्री आज़ाद भारत यानी जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस वर द
सेट ऑफ डिफरेंट एम्स एंड गोल्स जो संविधान के लिए, लोगों के लिए और सारे लीडर्स के लिए तय किए गए थे। बाद में इसी चीज को कन्वर्ट कर हमारे देश के प्रीएम्बल के रूप में डाला गया। आप सभी को ये बात पता होगी कि हमारे देश में पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना है और फिर प्रीएम्बल बना है, यानी प्रीएम्बल बाद में एज एन इंट्रोडक्शन ऐड करा गया है। और वो कहाँ से ऐड हुआ है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, ठीक है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो ऐड करा गया है। आगे बात करते हैं 22 जनवरी 1947 की। अब हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है अडॉप्ट कर लिया गया है। इसके बाद जुलाई 1947 में हमारा फ्लैग अडॉप्ट हुआ है एंड हम लोग आते हैं अब अपने उस पड़ाव पे जिसके लिए हम बहुत प्राउड है। और आज से एक हफ्ते बाद वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आर नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947। यस, इट इज़ अ वेरी ह्यूज मोमेंट, लेकिन ऑब्वियसली रिमेंबर कि इसके दौरान एक बहुत बड़ी सैड इवेंट ने भी हमें कंपनी किया था, विच वॉज पार्टीशन एंड अ लॉट ऑफ ब्लडशेड एंड डेथ दोनों तरफ, लॉस ऑफ पीपल। तो पार्टीशन भी इसी टाइम की बात है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान जो है सेपरेट हो गए। 29 अगस्त को हमने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जिसके हेड ऑब्वियसली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। इसके बाद एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन, जब आप लक्ष्मीकांत जैसे बुक्स उठा के पढ़ोगे तो आप नोटिस करोगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में साथ ही साथ दो वाइस चेयरपर्सन रखे जाते हैं, सी मुखर्जी के साथ वी टी कृष्ण रामाचारी का भी नाम होता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स आके कहते हैं मैम आपने तो एक ही पढ़ाया, इसमें तो दो वाइस प्रेसिडेंट्स थे। तो बेसिकली गाइस एच सी मुखर्जी बहुत पहले बने थे ना, 46 में, दो साल लगभग डेढ़ साल के बाद वी टी कृष्ण रामाचारी एक और वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए, सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट। तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं राइट क्या बोलते हैं स्टेप से पढ़ा रही हूँ। तो 46 के टाइम पर एक था तो एक ही पढ़ाया है, अब दो हुए हैं 48 में, तो तब अब जाके दो पढ़ाए हैं। लक्ष्मीकांत में आप चार्ट टैबुलर फॉर्म में देखते हो तो उसमें दो लिखे होते हैं, ये फर्क है। फिर 1949 ऑफ कोर्स ये डेट 26 नवंबर 1949 हमारे प्रीएम्बल में लिखी गई डेट है क्योंकि इस दिन हमने अपना संविधान पास कर लिया था। फिर उसके बाद लास्ट मीटिंग हुई 24 को और 26 को बन गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। वेरी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी लंबा समय है। साथ ही साथ याद रखिए कि हमने इसके ऊपर 64 लाख रुपीज़ खर्च करे हैं, यानी खर्चा जो आया पूरा संविधान बनाने में वो 64 लाख रुपीज़ था। इसी के साथ ये भी याद रखिएगा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ओपनिंग क्वेश्चन कि वो स्पीकर कौन थे जिन्होंने सबसे पहले एड्रेस किया था लोकसभा को आफ्टर वी बिकेम रिपब्लिक, यानी 1950 के पश्चात पहली लोकसभा एड्रेस करने वाले स्पीकर जी वी मावलंकर थे। अ रिपीटेड PYQ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, हु वाज द स्पीकर ऑफ लोकसभा आफ्टर 1950, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, सॉरी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ज़रूरी थे ये सबके लिए। अब मैं कुछ कमिटीज़ और उनके चेयरमैन आपको बताना चाहूँगी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑफकोर्स मोस्ट रिपीटेड। यूनियन पावर्स कमिटी नेहरू, अगेन रिपीटेड। स्टीयरिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद जी, रिपीटेड। सो दे तीन तो हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टेट्स रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी आ जाती है कभी कभी, ये भी राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर ही थी। एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता ही है, जिन्होंने हमारे सारे राज्यों को जोड़ा है एक साथ, वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो बारदोली सत्याग्रह में इन्हें सरदार टाइटल दिया गया था बारदोली की विमेन के द्वारा, रिमेंबर दैट, बारदोली विमेन ने इन्हें सरदार का टाइटल दिया था एंड वर ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर हाउ ही हेल्प देम। तो ये हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू की बड़ी कमेटी यूनियन पावर कमेटी, और ऑफ कोर्स सबसे बड़ी कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी विच इज़ हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है,
ये कमिटीज के चेयरपर्सन भी रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब इस पर भी आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स की बहुत सारी सब कमिटीज है, जैसे कुछ सब कमिटी है फंडामेंटल राइट की, उसे आचार्य कृपलानी ने हेड किया था। इसके अलावा माइनॉरिटी कमिटी को एच सी मुखर्जी ने किया था। सो बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कमिटीज़ हैं विच आर इम्पॉर्टेंट, अगर आप उसे इतना याद कर पाओ, और अगर नहीं कर पाओ तो जो फर्स्ट पेज पे मेजर पढ़ाई है वो आपको करनी होगी। फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपके सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट नाम का भी एक टॉपिक है। ये बेसिकली वो डिबेट्स, वो डिस्कशंस को अकाउंट करता है जो किए गए थे जब संविधान बनाने की बातें चल रही थी, ठीक है। इन्हें कैड या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट कहते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताकर जा रही हूँ कि इन डिबेट्स में क्या हुआ था, कैसे हुआ था और इसके कितने हिस्से हैं। मैं आपको बता दूँ कि डिबेट के हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्रिलिमिनरी स्टेज। एक्चुअली हमें चार स्टेज पढ़ने होंगे। पहला वाला हम जो पढ़ रहे हैं उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज या प्री स्टेज। आपको पता है किसी भी चीज़ का प्री स्टेज मतलब अभी आप बस उसके डिस्कशन में इन्वॉल्व होना शुरू हुए हो। जैसे आप एक नर्सरी में भेजने से पहले एक बच्चे को प्री नर्सरी में भेजते हैं सो देट उसका एक बेस सेट हो जाए, फिर आगे वो पढ़ाई कर लेगा। तो प्रिलिमिनरी स्टेज 46 से 48 था। इस टाइम पर कमिटीज बन रही थी सारी, है ना, और कमिटीज जो बनी थी वो रिपोर्ट्स भी दे रही थी कि हमारा रफ काम आज से एक साल तक ये रहेगा, या हम आज से आगे आने वाले टाइम में ये लिखेंगे। तो बेसिकली एक रफ आइडिया दिया गया था कि अब हम काम कैसे करेंगे। और उस टाइम पर फिर ड्राफ्ट जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लीडरशिप और पांच और मेंबर्स के साथ ड्राफ्ट बनना शुरू हो गया था। फिर जब ड्राफ्ट तैयार हो गया ना तो सब लोगों को बुलाया गया वही कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पहली बार सबको ड्राफ्ट संविधान पेश किया था 48 में कि आप लोग पढ़ लो, पहली रीडिंग दे लो। पहली रीडिंग में वर्ड बाय वर्ड, क्लॉज बाय क्लॉज सब कुछ डिस्कस नहीं हो पाया, तो फिर हमने सेकेंड रीडिंग बिठाई जिसमें एक एक क्लॉज जो आज हमारे देश में यूज हो रहा है। और देखो कितनी बड़ी बात है कि हमारा इतना मैसिव कॉन्स्टिट्यूशन, इतना लेंदी और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी हमने क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग करी है पूरी। क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन जो है वो करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। एंड इसके बाद थर्ड रीडिंग विच इज द फाइनल रीडिंग, जिसके बाद सबने सब कुछ खत्म कर लिया, जो भी प्रॉब्लम्स हाईलाइट हुई थी वो सॉल्व कर ली एंड फाइनल कॉपी पेश कर दी और संविधान इनैक्ट कर दिया। अब यहाँ एक छोटा सा ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड सुन लो। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड मतलब ये है कि हमारी रिपब्लिक होने की डेट 26 जनवरी 1950 है, लेकिन हमारे प्रियम्बल की डेट ये नहीं है। हमारे प्रियम्बल पर डेट 26 नवंबर 1949 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट करने की। जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करा, वो चालू हुआ, वो चलना, वो काम करना शुरू हुआ, तो 26 जनवरी की बात है। ये दोनों चीज़ों में फ़र्क आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी खत्म हो गया है, सेकेंड टॉपिक भी बहुत ईजीली, बहुत क्विकली फिनिश हो गया। चलो अब बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की। जब आप सिलेबस उठाते हो यूनिट 4 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, तो आपको रफली बोल देता है अप्रोचेस और दो तीन नाम दे देता है, जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, नियो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, बस, और बाकी कंपैरेटिव मेथड नाम का एक सब टॉपिक। लेकिन जो अप्रोचेस वहाँ छुपे हुए हैं, जैसे लीगल अप्रोच, एरिया अप्रोच बाय रॉय सी मैकराइडिस, ये सब आपको कहा नहीं जाता कि पढ़ो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये हर बार क्वेश्चन आता है, तो आप कैसे समझ पाओगे कि क्या पढ़ना है। उसमें से एंड मोमेंट रिविजन में आपको एक ऐसा अप्रोच करना है जो भले ही आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन पिछले 5, 6, 7, 8 साल जितने साल का पेपर उठाओगे ये क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेगा, लेकिन अब आपके पास ये सिलेबस से बाहर हो गया, तो हम फिर भी इसको पढ़ लेंगे। सिलेबस में नहीं मिलता तो क्या हुआ, हम अपनी तरफ से पढ़ लेंगे। गाइस कोई भी चीज़, हमारा शरीर, हमारा देश, हमारी पढ़ाइयाँ, कुछ भी सिस्टम के बिना नहीं चल सकता। एवरी थिंग रिक्वायर्स अ सिस्टम। एक्सक्यूज मी,
एवरीथिंग रिक्वायर्स अ सिस्टम, हाँ, जो भी तुम करना चाहते हो वो एक प्रॉपर सेट होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल्स का, ऑर्गेनाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस का. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, आप मानोगे 1953 तक अपने पास पॉलिटिकल सिस्टम का कोई वेल डिफाइंड फीचर्स नहीं थे. कितनी सैड बात है, हम इतनी लेट की बात कर रहे हैं, 1953, फिर भी हमारे पास कोई बिग डेफिनेशन नहीं था सिस्टम का. तो हमने सोचा कि क्या और सब्जेक्ट्स में एक बारी नज़र दौड़ाई जाए, देखा जाए कि क्या वहाँ सिस्टम है. वी वेंट टू अ थ्योरी जिसे कहते हैं जनरल सिस्टम थ्योरी. अब ऐसे होता नहीं, एक फादर अप्रोच हो गया और उससे अलग अलग लोगों ने अपने अपने घरों में थ्योरी खड़ी कर ली. ये कुछ ऐसा है, ये फादर थ्योरी है. इसमें से एथिक्स ने अपने लिए अलग ले लिया, बायोलॉजी ने अपना सिस्टम अलग बना लिया, एंथ्रोपोलॉजी ने अलग बना लिया, सोशियोलॉजी ने अलग बना लिया. तो इसी के पास हम भी गए, हमने कहा हमें भी दे दो सिस्टम अप्रोच. इस जनरल सिस्टम थ्योरी को बर्टन फ्लाई नाम के एक स्कॉलर ने दिया था, लुडविग वॉन बर्टन फ्लाई, जिसे लोग बहुत सारी अलग अलग फील्ड से जोड़ते हैं, बायोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी दोनों में ही लुडविग वॉन बर्टन फ्लाई का. सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर द वॉइस, द बॉटल फेल डाउन. ओके, सो बेसिकली लुडविग वॉन बर्टन फ्लाई का नाम आपको सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, इसमें नजर आएगा. ना जब भी हम अपने सब्जेक्ट के लिए लेने गए तो इन सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी सब कुछ हो चुका था, इन सब्जेक्ट्स में सब कुछ पहले से कवर हो गया था. हमारे पास जो नेक्स्ट पेंडिंग सब्जेक्ट था वो सोशियोलॉजी था. तो हमने अपने नियरेस्ट एड, नियरेस्ट फ्रेंड सोशियोलॉजी से सिस्टम अप्रोच को लिया. हमें भी किसने डेविड ईस्टन. सो डेविड ईस्टन जनरल सिस्टम थ्योरी से पॉलिटिकल साइंस का ट्रांजिशन करने वाले पहले थिंकर बन गए. यानी जब हमारे सब्जेक्ट को ये देने की बात आई तो डेविड ईस्टन बिकेम द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एक सिस्टम दिया, प्रॉपर सेट. अब डेविड ईस्टन के सिस्टम में क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना सब लोग, बहुत ध्यान देना. कोई भी सिस्टम होता है ना, उसके तीन ही हिस्से होते हैं, मैं आपको पहले से बता रही हूँ. आप अपने बॉडी को भी एक बार अज्यूम करो एज अ सिस्टम, तब भी सेम आंसर होगा. कुछ तो अंदर जाता है इनपुट, उसके बाद कुछ प्रोसेस होता है, एंड देन देयर इज एन आउटपुट. आप बॉडी का भी कोई भी फंक्शन देख लो या कोई रैंडम फंक्शन देख लो, सब में ऐसे ही होता है. जब हम कंप्यूटर चलाना सीखते हैं बचपन में तो ऐसे ही होता है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेस, एंड देन आउटपुट. तो बेसिकली मुझे तीन स्टेप लिखने पड़ेंगे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. है ना, ये बड़ी सिंपल सी चीज है. अब एक पॉलिटिकल सिस्टम में इनपुट क्या होता है? अरे राजनीति समाज का ही तो डिस्कशन है. अरे फलाना ने ऐसा कर दिया, ओहो बहुत गलत हुआ, अरे ये मिनिस्टर ऐसा कर रहा है, अरे अरे बहुत गलत कर रहा है. इनपुट क्या होता है? तुम्हारी मेरी बातें, हमारी कॉलेज में बातें, हमारी चाय की उस पर कोने पे बैठकर चाय की जो टपरी होती है उस पर बातें, यही सब बातें तो राजनीति का रूप ले लेती है. एक डिस्कशन एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ, फिर वो आग पकड़ गया, वो फैलता गया. हमारी बातों से इनपुट बनता है, समझो इस बात को, हमारी बातें ही इनपुट बनेंगी. अब क्या सिस्टम में डिमांड है, क्या हमें चाहिए है अपने नेताओं से, अपने मंत्रियों से, वो हम पूछते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड. कि सर जी सड़क बनवा दो, ये ब्रिज बनवा दो, ये फ्लाईओवर बहुत लेट हो गया है, यहाँ पानी भर रहा है बारिश का, जो भी डिमांड्स है आप रखते हो जनता के रूप में.
क्या जनता इतनी प्रभावशाली है कि एक-एक व्यक्ति का असर, एक-एक व्यक्ति की बात डायरेक्टली बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी दबाव के मंत्रियों तक पहुंच रही है भारत में? नहीं, बिकॉज इतनी मैसिव पॉपुलेशन है, बातें पहुंच ही नहीं रही हैं ऊपर तक। तो डिमांड को अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, अगर कोई ये कह दे कि हाँ मैं तुम्हारी ये बात आगे पहुंचाऊंगा, तो थोड़ा मजा ज्यादा आ जाएगा, थोड़ा सा सिस्टम में और तेजी आ जाएगी। तो हमें थोड़ी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हम कानून का हक सपोर्ट लेते हैं, हम कोर्ट्स का सपोर्ट लेते हैं, हम एनजीओ का सपोर्ट लेते हैं। तो बेसिकली जब हमारी डिमांड को सपोर्ट मिल जाती है, तो फिर वो एक पक्की डिमांड हो जाती है, मतलब कि वो अथॉरिटेटिव हो जाती है, उस पे मोहर लग जाती है कि चलो जी अब ये बात आगे पहुंचने के लिए रेडी है। अब ये डिमांड घुसी प्रोसेस करने के लिए सिस्टम के अंदर। अब 10-15 अलग अलग तरीके के इस पर डिस्कशन होंगे, एमएलए, एमपी, बजट कितना, कौन सी सड़क, कौन सा निर्माण, क्या करना है, क्या नहीं करना, कितनी सुननी है लोगों की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन फाइनली आपको जो भी लगे कि रिजल्ट हो सकता है, आप उसे बाहर देखो। देखो, रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है आपकी बात पूरी मानी गई हो सकता है आपकी बात नहीं मानी गई हो। अच्छा, अगर आपकी बात मानी गई है, तो आप बड़ी खुशी खुशी पॉजिटिव फीडबैक दोगे। लेकिन अगर आपकी बात नहीं मानी गई, तो आप सारा फीडबैक नेगेटिव दे दोगे। तो आउटपुट दो तरीके के हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। जो भी फीडबैक होता है, हम आपस में बातें करते हैं, यार मैंने तो कहा था, हमने तो कहा था कि ये प्रोजेक्ट बना दो, ये पार्क बनवा दो, लेकिन हमारे मंत्री जी तो कुछ करा ही नहीं पाए, इनको वोट नहीं डालेंगे अगली बार। तो फीडबैक ही हमारी आपसी बातों का फिर से एक रिजल्ट रूप ले लेता है। हम फिर से उन्हीं चर्चाओं में बैठना शुरू कर देते हैं, फिर से हमारे लिए वो इनपुट बन जाता है, फिर वो डिमांड अगली बार दोबारा उठाते हैं, फिर वो सपोर्ट बनती है, फिर वो प्रोसेस में जाती है, फिर वो आउटपुट लेती है। इट इज़ अ वेरी इजी क्लीन साइक्लिक प्रोसेस। ये बहुत ही आसान और क्लीन साइक्लिक प्रोसेस है, यानी ये लगातार चलता रहता है। इसका ना कोई अंत है, ना कोई फिनिशिंग लाइन है। ये एक बार शुरू हुआ तो रोज रोज रोजमर्रा में फीडबैक से एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से फीडबैक के प्रोसेस में चलता ही रहेगा। ठीक है, सच्चाई पे आते हैं थोड़ी सी। ये नॉर्मल मॉडल है, ठीक है, ये आम जिंदगी, अभी मेंटोस जिंदगी पढ़नी बाकी है। आम जिंदगी में तो आपने पढ़ लिया कि प्रोसेस हुआ, फलाना रिजल्ट आया, बाहर चला गया। लेकिन सरकार चूजेस टू समटाइम हाइड वॉट दे आर डूइंग। अब ये समटाइम तो तुम्हें पता है कि कितना ज्यादा हो गया है। सरकारें सब कुछ छुपाने लगी हैं, क्या पैसा लगा रही हैं, कैसी सड़क बना रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब पे बहुत ज्यादा छुपाया जाता है। क्या अगर मैं आपको एक एक लोकेशन दिखाऊं और उसके आगे काला पर्दा डाल दूं, तो आप कह पाओगे वाह क्या सुंदर लोकेशन है, वाह क्या सुंदर पहाड़ है, सब काले पर्दे से ढक दूं और कहूं देखो देखो उस सीनरी की तारीफ करो, जब दिख ही नहीं रही तो कैसे तारीफ करो। सो सिमिलरली आपको बोल रहा है कि हम प्रोसेस दिखा नहीं सकते तुम्हें, हम उसे ढक देंगे, हम उसे ढक देंगे। तो मतलब अंदर अंदर कुछ तो करप्शन चल रहा है जिसकी जानकारी आपको नहीं दी जा रही। जब ईस्टर्न के मॉडल में ऐसा होता है, प्रोसेस छुपाया जाता है, तो उसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल। तो यहां से हम एक बात सीख चुके हैं, ईस्टर्न के सिस्टम में वैल्यूज अथॉरिटेटिवली एलोकेट करी गई है, यानी कि डिमांड को सपोर्ट का सहारा मिला है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी इसकी कोई अंत नहीं है, ये चलता रहता है। हमने ये पढ़ लिया कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर आप पॉलिटिकल प्रोसेस छुपाते हो, तो उसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। क्या आपको यहां तक तीनों पॉइंट्स ईस्टर्न के क्लियर हो चुके हैं? अब मैं आपको एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ईस्टर्न भले ही फर्स्ट पर्सन था सिस्टम अप्रोच देने वाला पॉलिटिकल साइंस को, लेकिन उसका सिस्टम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, बहुत छोटा था, बहुत लेस डिटेल्ड था, बहुत नॉन एक्सप्लेनेटरी था नेचर में।
सो उसके बहुत सारे क्रिटिक आए थे, लोग बहुत बुराइयां कर रहे थे। तो बाद में एलमंड ने जो है कमांड संभाली कि वो इसको आगे लेकर जाएंगे। तो एलमंड ने जो बेस है वो ईस्टर्न से लिया, राइट, क्योंकि वो उसके बाद आ रहे हैं। लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है यानी जो शब्दों का इस्तेमाल है वो टैलकॉट पार्सन से लिया, जो कि एक बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट है, राइट। सो उन्होंने ये ले लिया एंड देन ही वेंट ऑन टू क्रिएट एन अप्रोच जिसका नाम है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। अच्छा, अब एलमंड ने जब अपना अप्रोच बनाया, बिकॉज ही वॉज कंबाइनिंग अ लॉट ऑफ थिंकर्स, मतलब ओरिजिनैलिटी थोड़ी सी लैकिंग है ना, बहुत सारे थिंकर्स का कॉम्बिनेशन है। तो और भी सोशियोलॉजिस्ट है, जैसे मैक्स वेबर का भी आइडिया है बीच में, ईस्टन का भी बेस है, टैलकॉट पार्सन्स भी है, वो जो खुद अपने आप में बहुत ही बड़े वेल एस्टैब्लिश स्कॉलर्स हैं। तो फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ऑब्वियसली टर्नड आउट टू बी द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, क्योंकि वो इतना डिटेल्ड था, वो इतना क्लीन एंड वेल एक्सप्लेन था, तो वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कहलाने लगा। तो इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो बेसिकली एक छोटा सा कंपैरिजन है, ईस्टन और एलमंड में से ईस्टन ने पहली बार अप्रोच दिया है लेकिन उसका अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, एलमंड ने बाद में दिया लेकिन उसका अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव बहुत है। तो ये एक फ़र्क जो आपको समझना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोसेस क्या है। देखो फिर वही है, बीच में मेरे को प्रोसेस का डिब्बा चाहिए, और मैंने आपको बताया था कि एक हाथ पे इनपुट होता है, एक पे आउटपुट होता है, राइट। एक हाथ पे हम इनपुट लिख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एलमंड काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए स्क्रीन पे। एलमंड के केस में अपने पास चार इनपुट है, कितने इनपुट है, चार, उधर दो है इधर चार है, ये ज्यादा बड़ा मॉडल है। पहला इनपुट का नाम होता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अभी सब समझाती हूँ एक एक करके, पहले लिख लेते हैं फर्स्ट। दूसरे का नाम होता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तीसरे का नाम है इंटरेस्ट एग्रीगेशन। और चौथे का नाम है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। थ्री लिखना था, फोर लिख दिया। अब ऑर्डर नहीं चेंज करना इसका, इसका ऑर्डर नहीं चेंज करना तुमने, ठीक है। अच्छा चलो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं कि क्या हो रहा है। सोशलाइजेशन क्लास चल रही है, थोड़ी सी स्टक थी बीच में, चलो वापस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, सोशलाइजेशन अगर हम बात करें तो कैसे स्टार्ट होता है। जैसे सपोज करो किसी ने कहा कि यार सरकार ना नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर डैम बना रही है, और हमें मुझे लगता है कि हमें इस पे आवाज उठानी चाहिए, ठीक है। तो मेरे को ये इशू इंटरेस्ट कर रहा है, मैंने कहा कि तुमको कर रहा है इंटरेस्ट क्या, कोई भी, मैंने कहा सारा तुम्हें ये इशू इंटरेस्ट कर रहा है। सारा ने कहा हाँ, कैसे कैसे प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे। चार दोस्त और बैठे थे, चार को और बता दिया। अब क्या हुआ, बात सोशलाइज हो गई। तुमने अपने सर्कल को, जो जिसे सोशलाइजेशन कहते हैं, तुमने उसमें बातें फैला दी। अब सोशलाइजेशन कब शुरू होता है, जब हम बच्चे होते हैं। पहला सोशलाइजेशन हमें अपने माँ बाप, अपने परिवार से होता है, जैसे हम फैमिली बुलाते हैं। फिर हम बड़े हो जाते हैं, हम स्कूल चले जाते हैं 2-3 साल की उम्र में,
तो सोशलाइजेशन का सेकंड स्टेप होता है स्कूल की टीचर्स और स्कूल के दोस्त। फिर धीरे धीरे करके आपको सोशलाइजेशन में पीयर मिल जाते हैं, मतलब साथ के लोग, है ना, स्टूडेंट्स हो गए, साथ के दोस्त हो गए, फ्रेंड्स हो गए। फिर आपका स्कूल, कॉलेज, रिलीजन वगैरह ये सब बढ़ता रहता है। तो हम, मैंने कहा ऐसे ऐसे पॉइंट है, सारा मेरे साथ ज्वाइन करोगी सर? ठीक है। अब हम एक मूवमेंट की तलाश कर रहे हैं जो ऑलरेडी इंटरेस्ट फैला रही हो इस पॉइंट पर, जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, जो ऑलरेडी इसी टॉपिक से डील कर रहे हैं, आर्टिकुलेट करें, मतलब 100,000, 10,000, 1,00,000 लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें कि मुद्दा आखिरकार है क्या। इसे कहते हैं इंटरेस्ट आर्टिकुलेट करना, यानी फैलाना। इंटरेस्ट जब आर्टिकुलेट हो जाता है ना, फिर उसके बाद उसे ऑफिशियल लीगल वक्त, लीगल चेहरा देने का समय आता है, जिसे कहते हैं एग्रीगेशन, किसी भी इंटरेस्ट को कंबाइन करके पेश करना, जो कि करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और फिर फाइनली पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, यानी जो भी इंटरेस्ट तुमने प्रोड्यूस करा उसे कम्युनिकेट करना, उसे बाहर लोगों तक फैलाना, लोगों को बताना कि देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या आप लोग इसको कवरेज दोगे, क्या आप मीडिया में इसकी बात उछालोगे। तो मीडिया हो गई कम्युनिकेशन। ये सब मिलाकर प्रोसेस के अंदर जाता है, प्रोसेस होता है, इसके बाद पैदा होते हैं आउटपुट। कानून बनेगा, हाँ या ना? हाँ या ना आपसे नहीं पूछ रही हूँ, हाँ या ना ये कह रही हूँ कि कैसे हमारा रूल्स हाँ होंगे या ना होंगे सरकार के द्वारा। पहले सोशल होगा या स्कूल? पहले फैमिली होगा, फिर स्कूल होगा। ठीक है, पहले फैमिली, फिर स्कूल, और ये सोशलाइजेशन उसका मेन कैटेगरी है। तो सोशल या स्कूल क्या होता है? पहले सोशलाइजेशन आएगा, फिर फैमिली उसका सब पार्ट, फिर स्कूल उसका सब पार्ट। एनीवे, रूल बनाना, देन रूल को आपको, रूल अप्लाई भी तो करने पड़ेंगे ना जब बना लिए, देन आपको रूल को चेक करना पड़ेगा वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, एडजुडिकेशन। ये हो गए आपके तीन आउटपुट, रूल बनाने का काम लेजिस्लेचर, अप्लाई करने का काम एग्जीक्यूटिव, एडजुडिकेट करने का काम जुडिशरी। और फिर वही सारी बातें एनवायरनमेंट में चली गई, एनवायरनमेंट से आई, एनवायरनमेंट में चली गई। याद रखिए कि इस मॉडल में कोई फीडबैक नहीं होता, याद रखिए कि एक ओपन एंडेड प्रोसेस है, याद रखिए कि ये साइक्लिक इन नेचर है, ये भी याद रखिए कि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। बस यही सब आपके अपडेट्स हैं ऑन द सिस्टम अप्रोच ऑफ एलमंड। ठीक है, अब आई थिंक हमें मूव करना चाहिए गुड गवर्नेंस के ऊपर। गुड गवर्नेंस की सबसे पहली डेफिनेशन हमें वर्ल्ड बैंक ने दी थी, कैसे हम पावर चला सकते हैं, कैसे एक देश की इकोनॉमी काम करेगी, कैसे उसके सोशल रिसोर्सेज काम करेंगे। अच्छा, अब होता क्या है, जब भी गवर्नेंस होती है वो गुड तब बनती है जब वो सबको शामिल करे, एक ऐसी प्रशासन, एक ऐसा काम करने का तरीका जो भेदभाव पैदा करता हो, जो कहता हो कि तू ज़्यादा, तेरे को मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, उसको मैं कम दे रहा हूँ, गरीबों की मैं मदद नहीं करूँगा, अमीरों के लिए ही काम करूँगा, वो सरकार या वो गवर्नेंस करने का तरीका अच्छा नहीं होता, काम करने का तरीका अच्छा नहीं होता, वो प्रशासन वीक होता है। तो गवर्नेंस को गुड करने का मतलब है कि सबको शामिल करके चलना। वर्ल्ड बैंक ने 1992 में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसे गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नाम दिया गया था। ये जो रिपोर्ट है ये आपके लिए एक रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एज यूजुअल, एंड इसमें आपको बताया गया था कि अलग अलग कॉम्पोनेंट्स गुड गवर्नेंस के क्या होने चाहिए वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। तो वर्ल्ड बैंक पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने गुड गवर्नेंस का कोई भी वर्ड, कोई भी टाइटल, कोई भी आइडिया एक्सप्लेन करा है। तो उसने चार कॉम्पोनेंट बता दिए थे गुड गवर्नेंस के, चार बड़े कॉम्पोनेंट बताए थे कि ऐसे ऐसे काम करना है, अकाउंटेबल होना है, इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन ना फिर भी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा सेट डेफिनेशन नहीं थी। इसके बाद UNDP ने भी समझाया, फिर कमीशन ऑन ग्लोबल गवर्नेंस आई, उसने भी समझाया,
लेकिन फाइनली हमें जो मेजर, एक कह सकते हो आप मोस्ट डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ट कलेक्शन मिला था डेफिनेशन का, वो हमें यूनाइटेड नेशंस ने प्रोवाइड किया. यूनाइटेड नेशन ने 8 कैरेक्टरिस्टिक्स में गुड गवर्नेंस डिफाइन करी है. मैं आपको दिखा रही हूँ ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स. गुड गवर्नेंस में सबसे पहले आती है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो भी सरकार आपके साथ काम कर रही है, जो भी ऑफिसर्स प्रशासन आपके साथ काम कर रहा है, उसके पास जवाब होना चाहिए. क्या सही होता है, क्या गलत होता है, क्यों उसने ऐसा कदम उठाया, क्यों नहीं उठाया, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ये सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. यू शुड नो द आंसर ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी. जो भी सरकार काम कर रही है, ब्लैक बॉक्स से काम नहीं करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी से काम करना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए है कि आपकी सरकार क्या कर रही है, कितने पैसों में, कब ये फैसला लिया, क्यों लिया, और आपके साथ बेसिकली गलत तो नहीं किया जा रहा. थर्ड होता है रिस्पॉन्सिव, मतलब कि सरकार आगे से बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी ले, जवाब दे, रिएक्ट करे बहुत सारी चीज़ों पर. चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप बहुत लोग गलत कर देते हो पेपर में, इक्विटी या इंक्लूसिविटी, सबको शामिल करके चलना. पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो गरीब अमीर मिडिल क्लास का बराबर भला करे. ऐसा नहीं कि गरीब को और गरीब कर दे, मिडिल क्लास ही रह जाए और अमीर होता जाए. ऐसी पॉलिसी नहीं चाहिए हमें. नेक्स्ट एफिशिएंसी, कोई भी सरकार हो अच्छी तो तभी होगी ना जब सही जगह सही काम कर सके, मतलब एफिशिएंट हो, जो उसका रिक्वायर्ड काम है ऑन द स्पॉट वही करे. सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जैसे देशों में, कोई भी सरकार जब गुड गवर्नेंस बनने की राह पर चलती है, उसे कानून को अपनाना. बिना कानून को अपनाए आप कैसे कह सकते हो कि मैं अच्छी सरकार हूँ? पार्टिसिपेटरी, अ गवर्नेंस शुड ऑलवेज अलाउ द सिटीजन्स टू कम एंड पार्टिसिपेट फ्रीली. हमेशा सरकार को इतना बड़ा दिल रखना चाहिए कि वो सबको बुलाकर उन्हें कह सके कि तुम्हारा देश है, तुम पार्टिसिपेट करो और मैं पीछे रहूँ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, सर्वसहमति, यानी हर एक नागरिक इस देश में जब तक संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तब तक वो सरकार गवर्नेंस अच्छी नहीं है. कंसेंसस होना, खुशी होना बहुत ज़रूरी है, सबका हाँ बोलना, सहमत होना बहुत ज़रूरी है. ये है गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल. अनफॉर्चुनेटली आपको दिख नहीं रहा होगा बट द लैपटॉप इज शोइंग लो बैटरी सिग्नल, विच मीन्स आई विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट द क्लास फर्दर, क्योंकि इट विल गेट डिसकनेक्टेड ऑटोमेटिकली. ऐसा हो उससे पहले आई विल लीव द क्लास एट दिस पॉइंट. दिस इज एन ओपन एंडेड क्लास, मतलब इसका एक सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट आएगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता. सो डोंट वरी, इकोलॉजिज्म जो मेरा लास्ट टॉपिक रह गया है, इट शैल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास ओनली बिकॉज ऑफ द बैटरी इशू, नहीं तो मैं कंटिन्यू कर लेती. आई हैड नो इशूज इन दैट. वेट फॉर मी टू कम एंड टीच यू इकोलॉजिज्म नेक्स्ट टाइम. ठीक है, इसके अलावा स्पेशल क्लासेस मंडे फ्राइडे, यूट्यूब सैटरडे के अलावा ट्यूजडे 12 बजे. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आई होप सभी को कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिले इस रिविजन सेशन से. And if you like the class, don't forget to click on the like button. Also, channel ko subscribe kar lijiyega. Thank you so much for joining. As I told you, mera discount code Supreet Live hai to join the new courses. I'll see you guys in my next class. Thank you so much. Bye.